नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं समास प्रकरण में है केवल समास। और आप यह जो टॉपिक है पीजीटी उत्तर प्रदेश के लिए और एमए फाइनल संस्कृत व्याकरण में राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों। अब देखिए, इसमें हमें सिद्धि करनी होती है, प्रक्रिया भाग बोलते हैं इसको हम। तो देखिए, पहला जो समास होता है वह समास है हमारा केवल समास। कौन सा समास है? केवल समास। इसका जो सूत्र है वह सूत्र है सह सुपा। ये सूत्र यह कहता है विद्यार्थियों, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सुबंत जानते हैं आप, जो सुप आदि स्वउजस से लेकर के सुप तक जो 21 प्रत्यय हैं वे क्या कहलाते हैं? सुप। यानी सुबंत का सुबंत के साथ, यानी समर्थ सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है यह कहता है। मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो केवल समास है, केवल समास हम किसको कहते हैं? जिस समास का कोई भी नाम नहीं है, जिस समास की कोई संज्ञा नहीं है, उसको हम केवल समास, सह सुपा समास, या फिर हम क्या कह देते हैं, सुप सुपा, ये नाम मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, जब भी आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं। एक बार यह राजस्थान टीचर सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि इसका केवल समास का दूसरा नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे सुप सुपा समास, सह सुपा समास या फिर केवल समास। अब देखिए, इस समास में जब आप पढ़ते हैं तो सिद्धियां आती हैं और हमको सिद्धि करनी पड़ती है विद्यार्थियों। देखिए, जैसे शब्द है हमारा सबसे पहले भूतपूर्व, ये जो शब्द है ये केवल समास का है, और केवल समास का है मैंने आपको बता दिया था, तो इसका जो लौकिक विग्रह होगा वो तो होगा पूर्वम भूतः। यह तो हो गया विद्यार्थियों लौकिक विग्रह। इसको क्या बोलते हैं? लौकिक विग्रह बोलते हैं। और जब हम इसका व्याकरण के अनुसार विग्रह करते हैं, व्याकरण के अनुसार जब विग्रह करेंगे तो वह विग्रह कहलाएगा अलौकिक विग्रह। तो ये तो क्या हो गया आपका? लौकिक। और इसको अगर हम व्याकरण के अनुसार करेंगे, क्या करेंगे, जैसे आप करेंगे पूर्व, इसमें द्वितीया है तो प्लस अम, और भूत प्लस सु। ये जो विग्रह है यह क्या हो गया विद्यार्थियों? आपका अलौकिक विग्रह हो गया। मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि विग्रह दो प्रकार का होता है, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। जब हम किसी भी शब्द की सिद्धि करते हैं तो हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है? अलौकिक विग्रह की। जब प्रक्रिया, जब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रक्रिया भाग, तो प्रक्रिया का मतलब होता है उसकी सिद्धि, कैसे कैसे उसमें क्रिया हुई, कैसे बना ये शब्द। तो देखिए, ये जो समास है जब हम इसकी सिद्धि करेंगे तो आप लिखेंगे पूर्व प्लस अम प्लस भूत प्लस सु, और सूत लग जाएगा आपका, मैंने आपको जो बताया सह सुपा। सूत्र से समास करने पर ठीक है विद्यार्थियों, फिर हम क्या करते हैं, इस समास की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, और आप ये स्थिति दोबारा लिखेंगे पूर्व प्लस अम प्लस भूत प्लस सु।
और सूत्र लगा देंगे। विद्यार्थियों आपने पढ़ा हुआ है कृत तद्धित समासाश्च, ये जो सूत्र है ये कहता है कि कृदंत कहते हैं जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगे हों, तद्धितांत जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय लगे हों, और समास की क्या होती है, प्रातपदिक संज्ञा हो जाती है। तो आप लिखेंगे से समास की प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है विद्यार्थियों, कौन सी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा। अब देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये जो सुप हैं आपको पता है ये क्या हैं, सुप हैं, तो इन सुपों का हमको फिर लोप करना पड़ता है। और आप लिखेंगे देखिए पूर्व प्लस भूत, और सूत्र लगा देंगे आपने पढ़ा हुआ होगा सुपो धातु प्राते पदिकयोः, सूत्र से प्रातिपदिक के सुपों का लोप, ये है विद्यार्थी, क्या लिख देंगे हम, प्रातिपदिक के सुपों का लोप हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे लिख करते हैं। अब देखिए जब हम अन्य समास पढ़ेंगे तो दो सूत्र आएंगे, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम, तो इसको हम अव्ययभाव में लिखेंगे। यहाँ क्या है, ये जो भूत है इसको पहले निपात हो जाता है, और आप लिखेंगे इसको भूत प्लस पूर्व, और परिभाषा एक भूत पूर्वे चरट से भूत का पूर्व निपात, निपात का मतलब होता है उसको हम पहले रख देते हैं विद्यार्थियों, तो भूत का क्या हो जाएगा, पहले निपात हो जाएगा, और पहले जब निपात हो जाएगा तब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, इसकी फिर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, आप लिखेंगे भूतपूर्व, सूत्र लगा देंगे आप कृत तद्धित समासाश्च, सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। फिर देखिए जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो फिर हम सू ले आते हैं, और आप लिखेंगे भूतपूर्व प्लस सू, और आप लिखेंगे देखिए आपने BA पार्ट सेकंड में पढ़ा होगा ज्ञाप प्रातिपदिकात, प्रत्ययः परश्च स्वौ जस, ये सूत्र है काफ़ी बड़ा है जिसमें 21 प्रत्यय हैं, मैं इसको संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, स्वौ जस अम आउट, ठीक है, सूत्र से
प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय आगम ये है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। और फिर देखिए भूतपूर्व जो सु था विद्यार्थियों, इस सु के ऊ का लोप कर देंगे, आप लिखेंगे उपदेश अजानु नासिक इत सूत्र से सू के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप। अब फिर आप इस सा को रू कर लेंगे, आप लिखेंगे भूत पूर्व और ये रू हो जाएगा और सूत्र लग जाएगा स स जो सो रूह सूत्र से पदांत सकार को रु आदेश। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए आप लिखेंगे भूत पूर्व इस रू के ऊ का इस संज्ञा कर देंगे, आप लिखेंगे उपदेश अजनाशक इस सूत्र से रू के उकार की इस संज्ञा तथा तस्य लोप से इस संज्ञक उकार का लोप। जब ये ऊ का लोप हो जाएगा फिर आपकी आप इसकी अवसान संज्ञा कर देंगे और आप लिख देंगे भूत पूर्व और सूत्र लग जाएगा विरामो अवसानम से रेप की अवसान संज्ञा करने पर। और फिर देखिए आप इसको विसर्ग कर देंगे और ये बन जाएगा भूतपूर्व और आप लिख देंगे खरब सानयोर विसर्जनीय सूत्र से रेप को विसर्ग करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्या है आपकी भूतपूर्व की सिद्धि हो जाएगी। हमारे इसमें दो ही सिद्धियां आती हैं सिद्ध करने के लिए केवल समास में, एक तो भूतपूर्व की सिद्धि है विद्यार्थियों और एक है बागड़था विव की।
तो बागड़थाविव जो है उस बागड़थाविव की सिद्धि करने के लिए विद्यार्थियों कौन सी है, बागड़थाविव, उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें, आपने वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।